जयपुर गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। रविवार की सुबह उसका शव गांव के पास खेत में मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूछताछ के दौरान परिजनों ने बताया कि मृतक राजकरण सिंह शनिवार की रात दोस्तों के साथ घर से निकला था और वापस नहीं आया। परिजनों ने गाँव के ही दो युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव दिव्यापुर में पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कोतवाली क्षेत्र अधिकारी नगर द्वारा मौके का मुआयना किया गया और मौके के मुआयने से पता चला कि शव का मुंह जमीन की तरफ था और उसके मुंह और नाक से कुछ खून निकल रहा है और कुछ चोटों के मुंह का निशान भी है। और फोरेंसिक साइंस को भी तत्काल वहां बुलाया गया और शव का पंचायतनामा भराकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। शव की पहचान राजकरण सिंह निवासी दिव्यापुर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 45 साल है। वहां पर पूछताछ से पता चला कि मृतक शराब पीने का भी आदी है और मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा।